नमस्कार दोस्तों, बिग इंडिया आपका एक बार फिर स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का महोत्सव शुरू हो चुका है। पूरे भारत देश में सभी जगहों पर यह उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव खास तौर पर माँ दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों के लिए प्रसिद्ध है। इस उत्सव में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। यह 9 दिन की अवधि शुक्ल पक्ष के दिन से 9वें दिन अश्विना तक हिंदू कैलेंडर के अनुसार सबसे शुभ दिनों को माना जाता है। तो आइए जानते हैं माँ के 9 रूप। प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेती चा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद मातेती, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तम काल रात्रेती, अष्टम महागौरी चा, नवम माँ सिद्धिदात्री नमः। प्रथम रूप माँ शैलपुत्री। माँ को प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। माँ का यही रूप सती माता के नाम से भी जाना जाता है। राजा हिमालय पर्वतराज के यहाँ जन्म लेने के कारण माँ का नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ ने दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल धारण किया हुआ है। माँ का वाहन वृषभ यानी कि बैल है। माँ शैलपुत्री की पूजा सौभाग्य, प्रकृति और आयु की देवी के रूप में की जाती है। द्वितीय रूप माँ ब्रह्मचारिणी। माँ को द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। पूर्व जन्म में माँ ने राजा हिमालय के यहाँ जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की, जिसके कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ने दाएं हाथ में जप करने की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है। नवरात्रि के दूसरे दिन विद्यार्थियों को पूजा करनी चाहिए। माँ की दूसरे दिन ज्ञान की देवी के रूप में पूजा की जाती है। तृतीय रूप माँ चंद्रघंटा। माँ को तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। माँ का जन्म राजा हिमालय के यहाँ माता पार्वती के रूप में हुआ था, परंतु माता ने अपने विवाह के समय माँ चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है। माता के 10 हाथ हैं और 10 हाथों में माँ ने अस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ के इस रूप की पूजा हमारे भूलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सदगति देने वाली है। चतुर्थ रूप माँ कुष्मांडा। माँ को चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। श्री कुष्मांडा आदि शक्ति श्री दुर्गा का ही रूप है। अपने उदर से अंड व ब्रह्मांड का निर्माण करने के कारण इनका नाम माँ कुष्मांडा पड़ा। माँ के इस रूप के 8 हाथ हैं, जिनमें से 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ का वाहन सिंह यानी कि शेर है। माँ के इस रूप की पूजा यश, बल और ऐश्वर्य देने वाली है। पंचम रूप माँ स्कंद माता। माँ को पंचम दिन माँ स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। माँ स्कंद माता माँ पार्वती का ही रूप है, जो उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को अग्निदेव द्वारा चुरा लेने पर धारण किया था। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें वो स्कंद पुराण, कमल पुष्प और बरद मुद्रा धारण किए हुए हैं। माँ के इस रूप की पूजा करने से परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। षष्ठम रूप माँ कात्यायनी देवी। माँ को षष्ठम दिन माँ कात्यायनी के रूप में पूजा जाता है। महर्षि कात्यायन की यहाँ जन्म लेने के कारण माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाईं तरफ की ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा तथा नीचे वाले हाथ में बरद मुद्रा है और बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प और नीचे वाले हाथ में तलवार है। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है। माँ के इस रूप की पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। सप्तम रूप माँ कालरात्रि। माँ को सप्तम दिन माँ कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि माँ पार्वती के शरीर की मैल से माँ कालरात्रि का उद्भव हुआ था, इसी कारण इनका रंग काला है।
नाम से ही जाहिर है कि इनका भयानक रूप है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। माँ के इस रूप के 3 नेत्र हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है और माँ गधर्व यानी कि गधे की सवारी करती हैं। माँ के इस रूप की पूजा करने से ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। अष्टम रूप माँ महागौरी। माँ को अष्टम दिन माँ महागौरी के रूप में पूजा जाता है। पुराणों के अनुसार पार्वती जी का शरीर हजारों सालों तक तपस्या करने के कारण काला पड़ गया था। तब स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती का शरीर गंगा जल से धोकर साफ किया था, जिससे इनका शरीर विद्युत प्रभा की तरह कांतिमान, उज्ज्वल व गौर हो गया, जिस कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में अभय मुद्रा, नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है और बाईं तरफ की ऊपरी भुजा में डमरू व नीचे वाली भुजा आशीर्वाद देते हुए है। माँ के इस रूप की पूजा करने से अमोघ्य सदैव फलदायिनी होती है। नवम रूप माँ सिद्धिदात्री। माँ को नवम दिन माँ सिद्धिदात्री माता के रूप में पूजा जाता है। माँ सिद्धिदात्री माँ पार्वती का ही एक रूप है। भगवान शिव ने भी इन्हीं माता की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। इन्हीं की कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था और भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए थे। माँ के इस रूप के 4 हाथ हैं, जिनमें चक्र, गदा, शंख और कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। माँ के इस रूप की पूजा से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लौकिक व परलौकिक सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय माता दी। दोस्तों, माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल बिकी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।